हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन 12th एग्जामिनेशन सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन 2 एंड 3 मार्क्स सॉल्यूशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। फर्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड, द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, केरोसिन ऑयल्स राइज अप इन विक ऑफ अ लालटेन बिकॉज इज अ कैपिलरी एक्शन। इफ द सर्फेस टेंशन ऑफ ऑयल इज जीरो देन इट विल नॉट राइज, सो ऑयल राइज अप इन अ विक ऑफ लालटेन ड्यू टू सर्फेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फेज ऑफ द सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज हीट। क्वेश्चन नंबर 5 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा, 1 upon RP = 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। वैल्यू पुट आउट, RP = 20/19 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको एंड गेट का सिंबल बनाना है। उसका ट्रूथ टेबल इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से इनका ट्रूथ टेबल आपको बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट के बारे में और इनकी यूटिलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सारा चीज़ आप जानते हैं, इनके बेसिस पर आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बॉडीज, तो अ बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट कम्प्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। प्लास्टिक बॉडी इट इज कम्प्लीटली रिटेन इट्स मॉडिफाइड इवन रिमूविंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्स, सो नो टेंडेंसी टू रिकवर डिफॉर्मेशन इज सेट टू परफेक्टली प्लास्टिक। ब्रिटल बॉडीज, सच बॉडीज ऑन विच If the force is applied, they run into pieces. Such bodies are called brittle bodies. Streamline flow and turbulent flow में आपको differences देखना है question number 9 पर। question number 10th पर आपका जो भी इनका आएगा Fahrenheit and Celsius पर जो relation होता है, कौन सी temperature पर दोनों same होते हैं, तो ये -40°C पर दोनों temperature same होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, SHM इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरेटी मोशंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड ऑन पोजीशन। यहाँ पर स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर इसका पहले डायग्राम फिर इसका डेरिवेशन आपको निकालना है। सबसे पहले इनका आपको AP और BP को फाइंड आउट कर लेना है, AP और BP। तो AP की जो वैल्यू होगी R² + A² ½ 1/2, और AP और BP इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, V1 एंड V2 को फाइंड आउट करना है, फिर आपको टोटल निकाल लेना है। तो टोटल निकालने के बाद इस तरह से जो V की वैल्यू आपको मिलेगा, फाइनल पोटेंशियल, वो 0 मिलेगा। इस तरह से आपको पूरा डिनोट करना है। इसकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सॉल्यूशन निकालना है, लेंस फॉर्मूला आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -2f, फिर आपको सिमिलर ट्रायंगल से इसको सॉल्व करना है, सिमिलर ट्रायंगल आपको फिर फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज आपको पुट आउट करना है। पुटिंग करने के बाद आपको इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सारा चीज़ निकलने के बाद इनकी जो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय UVF, तो यहाँ से वैल्यू 1/F = 1/V + 1/U।
तो इस तरह से मैंने बहुत 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में 4, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। तब तक वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।